जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू। 11th क्लास बायोलॉजी बेटा, थोड़ा लास्ट टॉपिक रहता सी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस वाला टॉपिक। उस चैप्टर का एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, गैसों की अदला बदली किमें होंगी है, ठीक है, वो प्रोसैस करना है असी। बेटा इट इज़ टेकन बाय टू लैवल्स, इट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी एक्सचेंज एंड द टिशू लैवल एक्सचेंज। पल्मोनरी एक्सचेंज होती है जी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है, और टिशू लैवल जी इंटरनल लैवल है, ठीक है। सब तो पहले आप टर्म्स देखा पार्शल प्रैशर की होंगे, जिस टर्म की बहुत यूज होना इस पार्शल प्रैशर एग्जर्ट बाय गैस, गैस द्वारा प्रैशर लगाया जाता इन अ मिक्सचर ऑफ गैसिज इन रिस्पैक्टिव ऑफ कंसट्रेशन ऑफ अदर गैसिज, ठीक है। सपोज कर लो एग्जाम्पल के तौर पर कि जदों असी एयर अंदर एंटर कर दी है साडे बॉडी च फ्रैश एयर, ठीक है, जो बेटा फ्रैश एयर ने एंटर करना उस टाइम तो उस एयर का जिहड़ा पार्शल पी डिनोट करना पार्शल प्रेशर ऑक्सीजन का किन्ना होगा, उसका होगा 159 मिलीग्राम ऑफ मरकरी, ओके। और तो उसी एयर दे विच कार्बन डाइऑक्साइड का प्रैशर कितना होंदा 0.3 mmHg, क्योंकि असी फ्रैश एयर ले रहे हैं सो कार्बन डाइऑक्साइड की जी मात्रा बहुत घट होंगी है उहदे विच, ओके। देखो आ डायग्राम दसी हुई है इत्थे, सो वो एंटर कर गई। हुण जदों उस एयर ने साडे एल्वोलर सैक्स दे विच पहुँच जाना, ठीक है, तो उत्थे आके ऑलरेडी पहले ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होंदी आ, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो जिहड़ी द एयर विच कम्स इन एल्वोलर एल्वोलाई इज कॉल्ड इट्स एल्वोलर एयर, उसनों की कहने एल्वोलर एयर। हुण जदों उत्थे एक्सचेंजिस टेक प्लेस होती है, ठीक है, वैन एक्सचेंज टेक प्लेस दैन द पार्शल प्रैशर, हुण उत्थे ऑक्सीजन का प्रैशर कितना होगा 104 मिलीग्राम ऑफ मरकरी, ओके। तो उत्थे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा 40 मिलीग्राम ऑफ मरकरी। हुण समझ लग गई, ठीक है। सो जदों एंटर किया बेटा उस टाइम का प्रैशर सेगा 159 मिलीग्राम, तो उस तो घट के कितना रह गया 104 मिलीग्राम। मीनस उत्थे जदों एल्वर सैक कोल ऑक्सीजन पहुंची रस्ते विच प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जिहड़ियां ब्रांचिज आईया उत्थे भी उन्होंने भी यूज उत्थे भी यूज हुई, ठीक है ना। तो दैन की कहिंदे उहदा सिर्फ किन्ना रह गया 104 मिलीग्राम रह गया, तो उत्थे कार्बन डाइऑक्साइड की किन्नी आ गई 40 मिलीग्राम। मीनस कार्बन डाइऑक्साइड पहला किन्ना सीगा 0.3, 0.3 तो किन्नी चेंज हो गई 40 मिलीग्राम। मीनस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पहला ही अंदर ज वह बॉडी के एल्वर सैक विच ज़्यादा सी। हुण समझ लगी, इस प्रोसैस में असी एक्सचेंजिज ऑफ गैसिज बोलते हैं, जिहड़ा अदला बदली होनी मतलब घट आना पार्शल प्रैशर बढ़ना, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जानी, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सचेंजिज ऑफ गैसिज, ओके बेटा। सो गैसिज डिफ्यूज फ्रॉम द हायर पार्शल प्रैशर टू लोअर प्रैशर, ये तुहानू पता ही है गैस जी हमेशा मूव होती है जिथे प्रैशर हाई होंदा हाई टू लो, असी पिछली वीडियोज़ के भी मैं तुहानू दस्सिया सीगा। हुण देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुहानू समझा दिंदा, नॉट ए एग्जाम्पल रियलिटी जो साडा प्रोसैस किवें चलता है। ठीक है, आ प्रोसैस। हुण जे आपां गल करिए इत्थे जिहड़ी पार्शल ऑक्सीजन एल्वोलर सैक आ, एल्वोलर सैक बोलते हैं, ठीक है। हुण असी पिछले सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़िया सीगा, गंदा खून पहला आउंदा है कित्थे आऊगा राइट ऑरिकल दे विच आउंदा है, ठीक है, तो राइट ऑरिकल तो फिर कित्थे जाता राइट वेंट्रिकल च, राइट वेंट्रिकल तो फिर साफ होने लई लंग्स के कोल जाता है। हुण इत्थों तुसीं इह मान के चलो आप लंग्स कोल जा रहे हैं वो जिहड़ा गंदा खून, इस करके मैं रैड ना कर रहा, उसकी जिहड़ी ऑक्सीजन का प्रैशर आ वह 40 आ, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की है वो 46 आ, ठीक है। हुण कार्बन डाइऑक्साइड 46 आ, इट मीनस गंदे खून के कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आ, फिर
ठीक है ना, गंदा खून आ, उसके विच ऑक्सीजन घट होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। ठीक है, हुण की होगा बेटा कि वो लंग्स के कोल गया साफ होने लिए, कितने खून गया लंग्स, आई एस एक् लंग्स कोल गया लिवले सैग। ठीक है, उत्थे जिहड़ा उहदा ऑक्सीजन का प्रैशर किन्ना आ 104 मिलीग्राम। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड किन्नी आ 40 मिलीग्राम। सो ये जिहड़ी आ इत्थे जदों इत्थे जाके वो प्रैशर बैलेंस हो गया, दैन वो दोबारा उन्हें एंटर किया साफ हो गए, ये पलमनरी आर्टरी राही गया सीगा ये गंदा खून लंग्स कोल। ठीक है ना, उत्थे प्रैशर सीगा 104 मिलीग्राम सीगा एलिवर सैक दे विच, किन्ना सीगा 104 मिलीग्राम सीगा ऑफ मरकरी। ठीक है, अंडरस्टूड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्थे सीगा 40 मिलीग्राम ओनली ऑफ मरकरी। ठीक है, एलिवले सैक दे विच। ठीक है, हुण इत्थे ऑक्सीजन घट आ, आ वाले ऑक्सीजन घट आ, ये एंटर करेगी लंग्स कोल, दैन जो साफ हो के वापस आया उहदी ऑक्सीजन किन्नी हो गई, इत्थे ऑक्सीजन 95 मिलीग्राम, तो कार्बन डाइऑक्साइड किन्नी होगी 40 मिलीग्राम होगी। ओके बेटा, हुण साढ़े कोल आ वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है की हैगी, ऑक्सीजनेटर ब्लड आ गया साढ़े कोल साफ होके, ये कित्थे आऊगा राइट ऑरिकल दे विच, एक चीज़ रह गई बनाने वाली, इस तरह राइट ऑरिकल सॉरी लैफ्ट ऑरिकल दे विच आऊगा खून, किहदे राही पलमनरी वेन, आनू पलमनरी वेन मान लो ये पाइप नू। ठीक है, आ वाली पलमनरी वेन आ, लैफ्ट ऑरिकल को आया, आ लैफ्ट वेंटिकल आ, इदा ही आ राइट ऑरिकल आ, राइट वेंट्रिकल आ। ओके, सो साफ होके कितने आ लैफ्ट ऑरिकल को आया। ठीक है, लैफ्ट ऑरिकल लैफ्ट वेंट्रिकल च गया, लैफ्ट वेंट्रिकल तो फिर ओटा आ गया, आ गया अगे ओटा, मीनस उ पूरा हार्ट के स्ट्रक्चर में मैं एक बॉक्स टाइप बना दिता तुहानू तरह समझा रहा हाँ। ठीक है, पार्शियल प्रैशर कि सेम ही आ 95 आ ऑक्सीजन का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कि 40 आ। ठीक है, हुण ये आ बॉडी टिश्यूज़ आ साढ़े। ठीक है, टिश्यूज़ हुण इत्थे कंसंट्रेशन जिहड़ी पार्शियल प्रैशर ऑक्सीजन का ज़्यादा आ 95 आ, 95 तो मूव कर गया हायर मू एयर मूव फ्रॉम द हायर प्रैशर टू लो प्रैशर, इतने हाई आ 95, इतने लो वाल मूव कर गया, लो तो किन्ना आ इतने 20 मिलीग्राम। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किन्नी है इतने 50 मिलीग्राम, मीनस टिश्यूज़ के बेच बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की जिहड़ी मात्रा आ वह ज़्यादा आदि गल कर रहा मैं। ओके, सो हुण इतने टिश्यूज़ की ज़्यादा आ, तो हुण इतने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर मूव फिर कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी हायर कंसंट्रेशन, इतने कंसंट्रेशन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड मूव की, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन किन्नी होगी 46, तो ऑक्सीजन किन्ना रह गया 40। हुण स्टार्टिंग दे विच किन्नी सी ऑक्सीजन की, वह 40 सी आ वाली, तो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की 46 सी। सो ये वैल्यू जिहड़ी आ ये जदों इतने टिश्यूज़ के एंटर कर जाना उन्हें, दैन वो जिहड़ा वो दोबारा उन्हें वापस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन टिश्यू ज़्यादा होंगी आ, सो एयर मूव करती है हायर कंसंट्रेशन टू हायर प्रैशर टू लोअर प्रैशर। ठीक है, सो ये फिर दोबारा राइट ऑरिकल च जाऊगा। ठीक है, वेना केवा राही। ठीक है, राइट ऑरिकल तो राइट वेंट्रिकल च, राइट वेंट्रिकल तो फिर गंदा खून जो लंग्स को साफ होने। सो ये सारा साइकिल जो प्रोसैस निवें चलता। ठीक है, सो बेटा थोड़ा कन्फ्यूजेबल आ, बट जिस तरह तुम हार्ट की सर्कुलेशन पढ़ी सी, ये ब्लड उही ब्लड लैके जा रहा, असं उहदे विच ही रेस्पिरेशन प्रोसैस पढ़ रहे हैं, ब्लड दे विच ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। हुण समझ लग गई बेटा? सो बेटा इदा नहीं सोचना कि ये कंफ्यूज है, तुम इन थोड़ा एक दो बार वीडियो देखोगे तो जरा ईजली क्लीयर हो जाएगा। ओके बेटा, सो वेट ए सैकेंड, वेट ए मिनट बेटा। हाँ जी, सो समय लग गई बेटा, ये जिहड़ा प्रोसैस आ ये तुसी तो एक बार बार वीडियो एक दो बार देखोगे तो ईजीली क्लीयर होना, बट सब तो ईजी प्रोसैस आ मैं लगा है। ठीक है, टॉपिक जिहड़ा नैक्सट आए तो अगर डिसोसीएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसीएशन कर्व की होंगी है, ये उस तरह बननी है। हाँ जी, ऑक्सीजन डिसोसीएशन कर्व जी ऑफ हीमोग्लोबिन की बनती होंगी है। ठीक है,
इज ए ग्राफ रिप्रजेंटिंग 100% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मीनस मतलब असं इस ग्राफ के देखना है कि हीमोग्लोबिन जी होंगी साढ़े ऑक्सीजन के नाल विद ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगी है। ठीक है, यह ग्राफ है, 1% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन लै लें असी सैचुरेशन वो परसेंटेज के, दूजे पास तुम्हें पार्शल प्रेशर लेना ऑक्सीजन का। ठीक है, हूँ देखो जो पार्शल प्रेशर ऑक्सीजन का 20 आ तो वो हीमोग्लोबिन किन्ने परसेंट प्रेजेंट है, 30% प्रेजेंट है। जो ऑक्सीजन का प्रेशर 40 आ वो कि प्रेजेंट आ हीमोग्लोबिन 70-75 अप्रोक्सीमेटली इन्नी होंगी है, और जो 95 आ दैन उस तो बाद कि 97% हीमोग्लोबिन। अंडरस्टूड है बेटा? ठीक है ना। सो अजदा देखो आ देखो इतने दोबारा उत्थे आ गया मैं, जो 95 पार्शल प्रेशर ऑक्सीजन दे इतने किन्ने परसेंट पाया, 97% जो एच बी है वो अटैच, जो इतने आके 95 भी है सेम इतने आके 40 हो जाता, 40 का तुम कि पढ़िया 70-75%। ठीक है, और जो 20 कितने सेगा टिश्यूज़ के बच्चेगा इतने हीमोग्लोबिन की मात्रा ओबियसली घट होगी, सो इतने कि 30% ओनली। अंडरस्टूड है? सो जिथे जिथे ये जोड़ा ग्राफ शो करता है डिसोसिएशन कर्व कहने असी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और ये जोड़ा ग्राफ आ ये राइट साइड नूं बेंड करता है, इतने आके ये की होंगे स्टेशनरी बन जाती, यदि स्टेशनरी ग्राफ बन जाता इसनों असी सिगमोइड कर्व कहने हैं। की बोलते हैं असी? सिगमोइड कर्व बोलते हैं। ओके बेटा, सो किहड़े फैक्टर्स आ जिहड़े अफैक्ट करदे डिसोसिएशन कर्व नूं? ठीक है, जेकर इन्हां दे विच कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इनक्रीज़ करती है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जिहड़ा उह राइट साइड नूं टर्न कर जांदा। ठीक है, जे टैंपरेचर विद इनक्रीज इन टैंपरेचर इट आलसो टर्नस टू द राइट साइड। ठीक है, और जो राइट साइड नूं टर्न करता इहदा मीन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कंपलैक्स डिसोसिएशन, उन्होंने की बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपलैक्स डिसोसिएशन, एंड इनू असी बोहरी अफैक्ट भी बोलते हैं। ओके बेटा, और जो पी एच जी होंगी एसिडिक होंगी है तो उदो भी जोड़ा आ वह कर्व जो राइट साइड नू बेंड करता है। ओके बेटा, सो ये थोड़ा जो चैप्टर है बेटा कंप्लीट होया इतने सारा। ओके, प्लीज़ चंगी तरह इनू देखो वीडियोस नू और अपना चैप्टर जोड़ा वह कंप्लीट कर लो। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।